दोस्तों, अच्छी हैंडराइटिंग आपके एजुकेशन को चार चांद लगाता है। वैसे इसका सीधा असर आपके करियर पर नहीं पड़ता, लेकिन आपके रिजल्ट पर जरूर पड़ता है, क्योंकि जो कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हैं उन्हें ये भली भांति समझ आती है कि हैंडराइटिंग उनके जीवन में कितना मायने रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रकाश। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, बैड हैंडराइटिंग इज द सिंबल ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन, मतलब गंदी हैंडराइटिंग अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हैंडराइटिंग सुधारने के 4 पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा, शब्दों और अक्षरों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, जब भी आप लिखते हो तो वर्ड्स के लेटर सीधा हो, मतलब बराबर हो, कोई बड़ा या छोटा ना हो। अगर ऐसा होगा तो लिखावट खराब लग सकती है। ध्यान रखिए कि वर्ड सीधे होंगे तो सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ेगी। कोई भी लेटर बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। वर्ड्स और लेटर के बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, हैंडराइटिंग सुधारने के लिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 पेज ही मन से लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग सुधर सकती है। बस थोड़ा टाइम लेकर डेली लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लिखने के तरीके। दोस्तों, जब भी आप लिखते हो तो ध्यान रखिए कि पेन 2 उंगली से ही पकड़ें, इससे हैंडराइटिंग अच्छी बनती है। लेकिन कुछ लोग 3 उंगली से भी पेन पकड़ते हैं, इनकी संख्या कम होती है। वैसे 2 उंगली से पेन पकड़ने से हैंडराइटिंग अच्छी बनती है। ध्यान रखिए, लिखते समय कॉपी पर ज़्यादा दबाव ना हो, एकदम हल्के ढंग से लिखना है। इससे स्पीड भी अच्छी होगी और हैंडराइटिंग भी अच्छी बनेगी, इसलिए लिखते वक्त ज़्यादा दबाव नहीं देना है। अब तीसरे पॉइंट्स को जानते हैं, पेन कैसा यूज करें। दोस्तों, पेन कैसा भी हो, बस लिखने में आरामदायक होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगे पेन का ही प्रयोग करें। आप 5-10 रुपए वाले पेन का ही यूज करें तो बेहतर होगा। ज़रूरी नहीं कि आप 100-200 रुपए के पेन से लिखें। स्टूडेंट को सस्ते पेन से ही लिखने चाहिए। पेन कई तरह के होते हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो उसी से लिखें, ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बन सके। आप बॉल पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पेन अच्छी लगती है। दोस्तों, अब चौथे पॉइंट्स पे आते हैं, लिखने में हड़बड़ी ना करें। दोस्तों, जब भी आप लिखते हो तो हड़बड़ाकर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे हैंडराइटिंग पर असर पड़ता है। जब आप हैंडराइटिंग सुधारने के लिए शुरुआत करते हैं तब धीरे धीरे लिखना चाहिए। जल्दबाजी में लिखेंगे तो वर्ड और सेंटेंस एक बराबर नहीं होगा। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी तब आप फास्ट लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। इन सभी पॉइंट्स को समझकर प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।